नमस्कार, मैं हूं दिव्या। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 22 मई दिन बुधवार। खबर क्यों बनने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार में डेयरी उद्योग होगा मजबूत। स्कूल में गर्मी की छुट्टियों को लेकर शिक्षा विभाग और राजभवन आए आमने सामने। मौसम विभाग ने प्री मॉनसून को लेकर जारी किया अलर्ट। यूजीसी नेट के आवेदन सुधार के लिए खुला करेक्शन विंडो। वोटर स्लिप को ऑनलाइन भी कर सकते हैं डाउनलोड। आज प्लेऑफ में राजस्थान रॉयल्स और आरसीबी के बीच होगा मुकाबला। अब चले बढ़ते हैं अब तक के 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। 10वीं पास उम्मीदवारों के लिए इंडियन अग्निवीर वायु संगीतकार के पदों पर निकली भर्ती। इंडियन एयरफोर्स ने इंडियन अग्निवीर वायु संगीतकार के पदों पर भर्ती निकाली है। आवेदन प्रक्रिया आज से शुरू है और आवेदन करने की अंतिम तारीख 5 जून 2024 है। इच्छुक उम्मीदवार इसके आधिकारिक वेबसाइट agnipathvayu.cdac.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस पद पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों का 10वीं पास होना जरूरी है, साथ ही टेम्पो, पीच और गायन की जानकारी रखते हो और वाद्य यंत्र का ज्ञान रखने के साथ ही बांसुरी, सहनाई आदि की समझ भी रखते हो। भर्ती से संबंधित सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप इसकी अधिसूचना और आधिकारिक वेबसाइट को देख सकते हैं। वोटर स्लिप को ऑनलाइन भी कर सकते हैं डाउनलोड। वोट देने से पहले हम सभी को बीएलओ के द्वारा वोटर स्लिप दी जाती है। वोटर स्लिप के जरिए ये पता चलता है कि हमारा नाम मतदाता सूची में है, लेकिन अगर आपका वोटर स्लिप आप तक नहीं पहुंचता है तो आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसे डाउनलोड करने के लिए वोटर हेल्पलाइन ऐप के जरिए अपना नाम चेक करना होगा। जब आपको अपना नाम मिल जाएगा तो यहां से आप इसे डाउनलोड कर सकेंगे। इस वोटर स्लिप में आपका वोटिंग सेंटर, बूथ नंबर और मतदाता सीरियल नंबर दर्ज होगा। शिक्षा विभाग ने खातों का ऑडिट करवाने का दिया निर्देश। पहली बार जिला स्तर पर संचालित किए जा रहे खातों का ऑडिट कराने का निर्णय शिक्षा विभाग द्वारा लिया गया है। जिला शिक्षा पदाधिकारियों को प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने इस मामले में जरूरी दिशा निर्देश जारी किए हैं। जिलों से संबंधित सनदी लेखाकार प्रतिष्ठानों से जिला अपीलीय प्राधिकार की तरफ से प्राथमिक शिक्षा निदेशालय ने संचालित खाताओं का ऑडिट कराने का निर्णय लिया है। सनदी लेखाकार प्रतिष्ठान ऑडिट के लिए अधिकृत हुए हैं। शिक्षकों के वेतन के लिए उपयोग में लाए जाने वाले खातों का भी स्थानीय निकायों की तरफ से ऑडिट करवाया जाएगा। आपको बता दें कि शिक्षा विभाग के जिलों में एक से अधिक कई बैंक खाते हैं। ऑडिट करवाने से ये साफ हो जाएगा कि किस बैंक में कितने रुपए हैं और जमा कराए गए पैसों का सदुपयोग हो रहा है या दुरुपयोग। पंजाब हरियाणा के तर्ज पर अब बिहार में भी होगी जैविक खेती। पंजाब और हरियाणा के तर्ज पर बिहार में भी अब किसान जैविक खेती करेंगे। इसके लिए बिहार की गंगा नदी के किनारे स्थित पटना, बक्सर, भोजपुर, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, खगड़िया, बेगूसराय, लखीसराय, भागलपुर, मुंगेर, कटिहार और नालंदा को जैविक खेती प्रोत्साहन योजना के तहत नेशनल प्रोग्राम ऑन ऑर्गेनिक प्रोडक्शन के मानक के अनुरूप जैविक कॉरिडोर बनाए जाएंगे। चिन्हित किए गए इन सभी जिलों में कुल 20,000 एकड़ को पूरी तरह से जैविक क्षेत्र बनाया जा रहा है। अक्सर किसान जैविक खेती इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि इन्हें इसका प्रशिक्षण नहीं मिल पाता है। अब इन जिलों के किसान कृषि विज्ञान केंद्र जाकर जैविक खेती का प्रशिक्षण ले सकेंगे। इसके लिए जैविक खेती करने वाले किसानों को 5,000 रुपये प्रति पीट निर्माण दिया जा रहा है। एक किसान अधिकतम 3 पीट का निर्माण कर सकते हैं। स्कूल में गर्मी की छुट्टियों को लेकर शिक्षा विभाग और राजभवन आए आमने सामने। एक बार फिर से शिक्षा विभाग और राजभवन आमने सामने हो गए हैं। दरअसल राज्यपाल विश्वनाथ आलेकर ने शिक्षा विभाग को पत्र लेकर बिहार के स्कूलों में गर्मी की छुट्टियों को विस्तारित करने को कहा है। वहीं दूसरी तरफ शिक्षा विभाग स्कूलों में गर्मी की छुट्टियों को अब और आगे नहीं बढ़ाना चाह रहा। 16 मई को बिहार के सभी सरकारी स्कूल खुल चुके हैं। हालांकि गर्मी अधिक होने की वजह से कई नेता भी स्कूल खोलने के खिलाफ नजर आ रहे हैं। मातृ और शिशु मृत्यु दर कम करने के लिए चल रहे प्रसव पूर्व जांच में ये जिले निकले आगे। राज्य में सुरक्षित प्रसव के लिए जोरों शोरों से पूर्व जांच अभियान चलाए जा रहे हैं ताकि प्रदेश में मातृ और शिशु मृत्यु दर को कम किया जा सके। आपको बता दें कि बिहार में ANC जांच में 85% लक्ष्य प्रथम तिमाही के दौरान निर्धारित किए गए हैं। कई जिले इस लक्ष्य के काफी करीब आ चुके हैं। वहीं पूर्णिया और अररिया, ये दोनों ही जिले अपने लक्ष्य से भी आगे चल रहे हैं। पूर्णिया में 112% और अररिया में 105% गर्भवतियों की प्रसव पूर्व जांच की जा चुकी है। इस जांच को लेकर पटना के एडिशनल डॉक्टर इंदिरा प्रसाद ने बताया है कि प्रसव के पहले जांच से न सिर्फ सुरक्षित प्रसव संभव है बल्कि स्वस्थ नवजात के लिए भी ये जांच आवश्यक है। पूरे गर्भकाल के दौरान कम से कम 4 बार प्रसव पूर्व जांच करवाना जरूरी है।
बिहार के सबसे बड़े सौर ऊर्जा पावर प्रोजेक्ट की समीक्षा पर ये बात आई सामने। बिहार के बांका में बिहार का सबसे बड़ा 50 मेगावाट की क्षमता वाला सौर ऊर्जा पावर प्रोजेक्ट तैयार किया जा रहा है। विद्युत भवन के सभागार में सौर ऊर्जा परियोजनाओं की समीक्षा बैठक हुई है। इस बैठक की समीक्षा करते हुए ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव सह CMD बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड संजीव हंस ने कहा है कि सौर ऊर्जा परियोजनाओं के निर्माण की गति में और तेजी लाने की जरूरत है। बिहार में अक्षय ऊर्जा को निरंतर विकसित करने की जरूरत है। जंगल, पहाड़ और नदियों के आसपास बसे गांव में बैटरी स्टोरेज के साथ सौर ऊर्जा परियोजनाओं पर विशेष रूप से कार्य करने की जरूरत है। UGC नेट के आवेदन सुधार के लिए खुला करेक्शन विंडो। 19 मई को UGC नेट के रजिस्ट्रेशन विंडो को बंद कर दिया गया था। अब जो भी उम्मीदवारों ने आवेदन किया है उनके लिए करेक्शन विंडो ओपन कर दिए गए हैं। यदि आवेदन के दौरान किसी प्रकार की इसमें गलती हो गई थी तो आप इसमें UGCNET.NTAOnline.in पर जाकर सुधार कर सकते हैं। सुधार करने का समय 23 मई 2024 तक के लिए ही है। इस तिथि के बाद करेक्शन विंडो बंद कर दिए जाएंगे। आवेदन सुधार के लिए आपको एडिशनल फीस का भुगतान भी करना होगा। इसके बाद 18 जून को UGC की परीक्षा आयोजित होगी। जानिए कैसे बारिश के मौसम में स्मार्टफोन चलाना खतरनाक हो सकता है साबित। बारिश का मौसम शुरू होने में अब बस कुछ समय ही है। बारिश का मौसम तो कई लोगों को अच्छा लगता है, लेकिन इस दौरान हमें कई चीज़ों को लेकर सतर्क रहना भी जरूरी है। बारिश के दौरान बिजली कड़कने से कई लोगों को डर लगता है, लेकिन अगर बारिश में बिजली कड़कने के दौरान हम स्मार्टफोन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये हमारे लिए खतरनाक साबित भी हो सकता है, क्योंकि हमारे स्मार्टफोन से अल्ट्रा वाइड रेज तेजी से निकलती है जो मोबाइल से निकल कर आकाशीय बिजली की तरफ अट्रैक्ट होती है। इसलिए बिजली कड़कने के दौरान स्मार्टफोन चलाना खतरनाक हो सकता है। इस दौरान फोन से दूर रहने के साथ ही घर में मौजूद TV, फ्रिज जैसे अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स को भी ऑफ कर देना चाहिए। बिहार में डेयरी उद्योग होगा मजबूत। बिहार में डेयरी उद्योग मजबूत करने के लिए बड़ी पहल की जा रही है। इसके लिए सरकार की तरफ से 27,65,76,00,000 रुपए का अनुदान सरकार की तरफ से डेयरी उद्योग को दिया जाएगा। सरकार द्वारा दिए जा रहे इन रुपयों से नए डेयरी फार्म, दूध कलेक्शन सेंटर, पशु पोषण, दूध की मार्केटिंग, दूध प्रसंस्करण इकाई आदि खोले जाएंगे। ये योजनाएं चौथे कृषि रोड मैप में प्रस्तावित हुई है। जब योजना स्वीकृत हो जाएंगे उसके बाद जिलावार तरीके से इसे आवंटित किया जाएगा। आपको बता दें कि दूध उत्पादन में बिहार देश में 8वें स्थान पर है। बिहार क्रिकेट की जगत में पहली बार महिला क्रिकेट लीग की होगी शुरुआत। 23 मई को पटना क्रिकेट जगत के इतिहास में महिला क्रिकेट लीग की शुरुआत होने जा रही है। इसकी घोषणा पटना जिला क्रिकेट संघ संचालन समिति के अध्यक्ष राजेश कुमार और सदस्य रहबर आब्दीन ने की है। इसमें 5 क्लब की टीम हिस्सा लेंगी। पटना जिला क्रिकेट संघ संचालन समिति के अध्यक्ष राजेश कुमार और सदस्य रहबर आब्दीन ने बताया है कि इस महिला क्रिकेट लीग में कुल 5 क्लब की टीम हिस्सा लेगी। इसमें आबदीन 11, रेनू 11, CMS क्रिकेट क्लब, ज्योति क्रिकेट क्लब और उमा 11 टीम शामिल है। इस लीग का मुकाबला पटना से सटे संपत तक स्थित लॉ मार्टिनियर वर्ल्ड स्कूल पटना में चलने वाली बिहार क्रिकेट अकेडमी में देखने को मिलेगा। इसकी जिम्मेदारी बिहार क्रिकेट अकेडमी के हेड कोच आशुतोष कुमार को दी गई है। फोर्ब्स 30 अंडर 30 में बिहार की बेटी ने बनाई जगह। बिहार के मुजफ्फरपुर की रहने वाली सपना सिन्हा ने फोर्ब्स 30 अंडर 30 एशिया में अपना नाम दर्ज करवाया है। इस लिस्ट में सपना अपना नाम दर्ज करवाने वाली बिहार की पहली महिला बन चुकी हैं। इन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से अपनी PhD पूरी की थी और अब मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में प्रोफेसर है। आपको बता दें कि सूची में उनका नाम दर्ज होता है जो एशिया पैसिफिक क्षेत्र के 30 साल से भी कम उम्र में अपने अपने फील्ड में बेहतर और उल्लेखनीय कार्य करते हैं। सपना को मस्तिष्क और संज्ञानात्मक विज्ञान के अध्ययन पर अपने शोध के लिए फोर्ब्स अंडर 30 एशिया में जगह मिली है। मौसम विभाग ने प्री मॉनसून को लेकर जारी किया अलर्ट। बिहार में मौसम विभाग ने प्री मॉनसून को लेकर अलर्ट जारी किया है। किशनगंज समेत बिहार के अन्य कई जगहों पर बदलते मौसम को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। आज प्रदेश में अधिकतर जगहों पर बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं बिहार के उत्तर भाग के जिलों में कुछ स्थानों में मेघ गर्जन या वज्रपात और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने की संभावना जताई गई है। आज प्रदेश में अधिकतम तापमान 36 से 38 डिग्री और न्यूनतम तापमान 26 से 28 डिग्री रहने की संभावना जताई गई। बिहार में सुखाड़ प्रभावित गांव में अधिकारियों को नजर बनाए रखने के मिले आदेश। बिहार के सुखाड़ प्रभावित 622 गांव में 240 चापाकल बंद पड़े हैं। इस बात की जानकारी एक समीक्षा रिपोर्ट में दी गई है। सुखाड़ प्रभावित गांव में इस भीषण गर्मी को देखते हुए अधिकारियों को निगरानी बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि जलापूर्ति योजना के जरिए लोगों को पानी की दिक्कत न हो।
बता दें कि इन पंचायतों में 336 टैंकर हैं, जिसमें से 8 का परिचालन शुरू हो चुका है। विभागीय रिपोर्ट के अनुसार इन सभी वार्डों में अधिकारी जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर जलापूर्ति योजनाओं के मरम्मत में जुटे हैं। नल जल योजना की निगरानी भी बढ़ा दी गई है। 30 जून तक भूजल स्तर में गिरावट की संभावना बनी रहती है। इस दिन से शुरू होगी रोहिणी नक्षत्र। किसानों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। दरअसल 25 मई से खरीफ फसल के लिए रोहिणी नक्षत्र शुरू होने वाले हैं। आपको बता दें कि खेतों में रोहिणी नक्षत्र में धान का बिचड़ा डालने के लिए 6 जून तक सबसे अच्छा समय है। किसान भाई चाहे तो कृषि विभाग से गुणवत्तापूर्ण प्रभेद की जानकारी ले सकते हैं, ताकि धान के आगात प्रभेद का चयन कर उत्पादकता को बढ़ाया जा सके। यदि किसान समय रहते चाहे तो धान के नए और गुणवत्तापूर्ण प्रभेद का चयन करके फसल प्रबंधन पर ध्यान दे सकते हैं। ध्यान रखें कि जब भी आप बीज की खरीदारी कर रहे हैं तो उसे किसी प्रमाणित एजेंसी से ही लें। पटना नदी क्षेत्र से पुलिस ने 207 लीटर शराब के साथ तस्कर को किया गिरफ्तार। पुलिस ने 207 लीटर अंग्रेजी शराब के साथ एक तस्कर को पटना के नदी थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। पुलिस द्वारा ये कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर की गई है। गिरफ्तार किया गया तस्कर गोविंदपुर निवासी का रहने वाला है, जिसका नाम डब्लू कुमार है। पुलिस को सूचना मिली थी कि गरहोचक के सामने चेन पुलिंग करके ट्रेन से कुछ लोग शराब उतार रहे थे। मामला सामने आते ही पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक तस्कर को गिरफ्तार किया, जबकि कई अन्य लोग भागने में सफल रहे। बता दें कि शराब ट्रॉली बैग में छिपा कर रखे गए थे। अब इस मामले में पुलिस आगे की जाँच कर रही है। पीएम मोदी ने तेजस्वी यादव पर साधा निशाना। पांचवें चरण का चुनाव समाप्त हो चुका है और अब सभी राजनीतिक दल छठे चरण के चुनाव को लेकर जोरों शोरों से तैयारी कर रहे हैं। अब इसी कड़ी में बिहार में अपनी चुनावी जनसभा को संबोधित करने आए नरेंद्र मोदी ने तेजस्वी यादव पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि इन लोगों के पास इस चुनाव में मोदी को गाली देने के सिवाय कोई और मुद्दा नहीं है। कोई कह रहा है कि मोदी की कब्र खोदेंगे, कोई कह रहा है कि मोदी को गाड़ देंगे। आगे उन्होंने इंडिया गठबंधन की चर्चा करते हुए कहा कि अपनी मनमानी से, अपनी इच्छा से अब देश नहीं चलता। इंडिया गठबंधन वालों की आंखों में भले ही मोदी खटकता हो, लेकिन देश के दिल में मोदी है। पीएम मोदी के बार बार बिहार दौरे पर तेजस्वी यादव ने कसा तंज। बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बार बार पीएम मोदी के बिहार दौरे पर तंज कसा है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि पीएम काम की बात तो करते नहीं है, सिर्फ मुझे और राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को गाली देने बिहार आते हैं। आगे तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी इस बार साफ हो रही है, क्योंकि उसने अपना कोई भी वादा पूरा नहीं किया है। बिहार में रोजगार, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, कारखाना, निवेश, ये सभी वादे अधूरे हैं, जिसकी वजह से बिहार के लोग ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। इसलिए जनता इस बार इंसाफ कर रही है और बीजेपी को बिहार से साफ कर दिया जाएगा। 23 मई को अपने प्रत्याशी के समर्थन में बक्सर आएंगी मायावती। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती 23 मई को बिहार आने वाली हैं। यहां वो बक्सर लोकसभा प्रत्याशी अनिल कुमार सिंह के समर्थन में बक्सर के आईटीआई मैदान में जनता को संबोधित करेंगी। आपको बता दें कि 1 जून को 7वें चरण में बक्सर लोकसभा सीट पर मतदान देखने को मिलेगा। इस संसदीय क्षेत्र में कुल 6 विधानसभा सीट है। यहाँ कुल मतदाताओं की संख्या 19,16,292 है। यहाँ 1941 मतदान केंद्र बनाए जाएंगे। यहाँ मायावती से पहले और भी कई दिग्गज नेता अपने प्रत्याशियों के समर्थन में वोट अपील करने आ चुके हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 पर प्रशांत किशोर का बड़ा दावा। इंडिया टुडे से बातचीत करते हुए जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में जनसुराज की जीत होगी। वहीं लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर उन्होंने कहा है कि इसमें भाजपा लगभग 300 सीटें जीत सकती है। आगे उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के खिलाफ कोई व्यापक गुस्सा नहीं है। भाजपा के लिए अपने दम पर 370 सीटें हासिल करना असंभव है। उन्होंने भाजपा के 400 पार के नारे को लेकर कहा कि ये सब कार्यकर्ताओं के मनोबल को बढ़ाने के लिए नारेबाजी है। आज प्लेऑफ में राजस्थान रॉयल्स और आरसीबी के बीच होगा मुकाबला। आज इंडियन प्रीमियर लीग प्लेऑफ में राजस्थान रॉयल्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम के साथ भिड़ने वाली है। ये दोनों ही टीम अंक तालिका में नंबर 3 और 4 पर है। दोनों टीम के बीच सीधे एलिमिनेटर मुकाबला होने वाला है। जो भी टीम हारेगी वो सीधे बाहर होगी। आपको बता दें कि प्लेऑफ में 4 मैच होंगे और सभी मैच दो ही जगहों पर होंगे। दर्शकों को आज के इस मैच का बेसब्री से इंतजार है। आपको बता दें कि आरसीबी और राजस्थान रॉयल्स के बीच होने वाले मुकाबले में जो टीम हारेगी वो मैच से बाहर होगी ही, लेकिन जो टीम जीतेगी उसे दूसरा क्वालीफायर मैच भी खेलना होगा। आज होने वाले मैच में राजस्थान रॉयल्स और आरसीबी किसका पलड़ा भारी है, हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं।
कई कारणों से दर्ज है। भारत के इतिहास में आज की तारीख 22 मई वर्ष 1805 को गवर्नर जनरल विलेजली ने एक आदेश के तहत दिल्ली के मुगल बादशाह के लिए एक अस्थायी प्रावधान की व्यवस्था की थी। आज के दिन वर्ष 2007 में गणितज्ञ श्रीनिवास वर्धन को नॉर्वे का अबेल पुरस्कार दिया गया था। आज के दिन वर्ष 2008 में केंद्रीय उच्च शिक्षण संस्थानों में ओबीसी छात्रों को 27% कोटा देने का आधारभूत ढांचा खड़ा करने के लिए सरकार ने 10,328 करोड़ रुपए दिए थे। आज के दिन वर्ष 1774 में राजा राम मोहन राय का जन्म हुआ था। आज के दिन वर्ष 1545 में शेरशाह सूरी की जान चली गई थी। आज के दिन वर्ष 1963 में भारत की पहली ग्लाइडर रोहिणी ने उड़ान भरी थी। आज के दिन वर्ष 1984 में बछेंद्री पाल दुनिया की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट को फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी। SBI ने बैंक ग्राहकों को किया सतर्क। डिजिटल दुनिया में साइबर फ्रॉड के भी मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। इसे देखते हुए भारतीय स्टेट बैंक ने ग्राहकों को आगाह किया है। SBI ने ग्राहकों को एंड्रॉयड एप्लीकेशन पैकेज के जरिए SBI रिवॉर्ड पॉइंट्स प्राप्त होने वाले प्रोसेस में सावधानी बरतने की सलाह दी है। SBI, एक्सिस बैंक, ICICI ने ट्विटर के जरिए कहा है कि ये देखा गया है कि कई फ्रॉड करने वाले लोग APKS का लिंक SMS और WhatsApp के जरिए भेजकर SBI रिवॉर्ड पॉइंट देने की लालच दे रहे हैं। ध्यान रखें कि SBI इस तरह के APKS का लिंक ग्राहकों को बिल्कुल नहीं भेजता है। इस तरह के लिंक पर क्लिक करने से बचे और खुद को बैंकिंग फ्रॉड से सुरक्षित रखें। आज के वायरल खबर में हम बात करेंगे FSSAI द्वारा गौमूत्र को दिए गए लाइसेंस के बारे में। व्हाट्सएप पर एक पोस्ट वायरल हो रहा है जिसमें ये दावा किया जा रहा है कि FSSAI ने गौमूत्र को लाइसेंस दिया है ताकि उसे बाजारों में बेचा जा सके। लेकिन आपको बता दें कि FSSAI ने ऐसे किसी गौमूत्र को बाजार में बेचने के लिए लाइसेंस नहीं दिए हैं। ये दावा पूरी तरह से फर्जी है। PIB फैक्ट चेक ने भी इसे अपने सोशल मीडिया पर शेयर किया है जहां इसे पूरी तरह से फर्जी बताया गया है। इसलिए इस तरह की फर्जी खबरों से सतर्क रहने की जरूरत है। CBSE 10वीं के बच्चे अंकों के वेरिफिकेशन के लिए इस दिन तक कर सकते हैं आवेदन। CBSE 10वीं के वैसे बच्चे जो अपने 10वीं के रिजल्ट से संतुष्ट नहीं है वे अपने अंकों का वेरिफिकेशन फोटोकॉपी और पुनर्मूल्यांकन करवा सकते हैं। इसके लिए 10वीं पास बच्चों को cbse.gov.in पर या परीक्षा संगम वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन तरीके से आवेदन करना होगा। अंकों के वेरिफिकेशन के लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख 24 मई है। वहीं जिन भी बच्चों को उत्तर पुस्तिका की फोटोकॉपी चाहिए वे 4 से 5 जून को आवेदन कर सकते हैं। वहीं पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया 9 जून से शुरू होगी। पुनर्मूल्यांकन की प्रक्रिया के लिए केवल वही बच्चे योग्य होंगे जिन्होंने आवेदन के लिए रिक्वेस्ट भेजे थे। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल पूछेंगे उसका जवाब बताएंगे जो कि BPSC, बिहार पुलिस दरोगा समेत SSC जैसे नए प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया है ये हमें कॉमेंट में लिखकर जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है, हाल ही में विश्व एड्स वैक्सीन दिवस 2024 कब मनाया गया है? ऑप्शन ए है 16 मई, ऑप्शन बी है 18 मई, ऑप्शन सी है 17 मई, ऑप्शन डी है 20 मई। इसका सही उत्तर 18 मई। हाल ही में ONDC स्टार्टअप महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? ऑप्शन ए है पटना, ऑप्शन बी है नई दिल्ली, ऑप्शन सी है कोलकाता, ऑप्शन डी है लखनऊ। इसका सही उत्तर नई दिल्ली। हाल ही में भारत जिम्बाब्वे संयुक्त व्यापार समिति का तीसरा सत्र कहाँ आयोजित किया गया है? ऑप्शन ए है हरारे, ऑप्शन बी है नई दिल्ली, ऑप्शन सी है गुरुग्राम, ऑप्शन डी है लखनऊ। इसका सही उत्तर है नई दिल्ली। बिहार में कब नील रैयतों का विद्रोह हुआ था? ऑप्शन ए 1891 से 1892 में, ऑप्शन बी है 1907 से 1908 में, ऑप्शन सी है 1904 से 1905 में, ऑप्शन डी 1903 से 1904 में। इसका सही उत्तर है 1907 से 1908 में। तरुण भारत संघ निम्न में से किससे संबंधित था? ऑप्शन ए मुजफ्फरपुर, ऑप्शन बी है पटना, ऑप्शन सी है बेतिया, ऑप्शन सी है मुंगेर। इसका सही उत्तर है मुजफ्फरपुर। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब देने के नाम है श्रवण राज, राजकिशोर महतो, साधना देवी, सादुल्ला पालवी, कृष्णा प्रसाद, कुंदर कुमार, मोहम्मद साकिर हुसैन, खिलेश पासवान, श्रवण राज, बलबीर सिंह, सूरज कुमार, अखिलेश पासवान, दीपक कुमार, अजमल अंसारी। इसके साथ ही बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, साइबर फ्रॉड से बचने के लिए आप क्या करते हैं? हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना। अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।